गंज थाने से महज कुछ ही दूरी पर एक ज्वेलरी शॉप को दिन दहाड़े अज्ञात व्यक्ति ने बनाया निशाना। काउंटर को पत्थर से तोड़कर आर्टिफिशियल ज्वेलरी सहित काउंटर के नीचे बक्से में रखी 1 किलो चांदी की ज्वेलरी लेकर हुआ फरार। गंज थाना अंतर्गत थाने से महज कुछ ही दूरी पर दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात अंजाम दे दी गई। चोर दिन दहाड़े दुकान से चांदी के जेवरात चोरी कर फरार हो गया। पीड़ित ज्वेलरी शॉप संचालक अमित कुमार सोनी ने गंज थाने में चोरी की शिकायत दी है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। अमित कुमार सोनी ने बताया कि उसकी घर से कुछ ही दूरी पर संस्कृत कॉलेज के सामने ज्वेलरी शॉप और टूर एंड ट्रेवल्स का काम है। आज कोर्ट में किसी केस की तारीख थी, लिहाजा वह दुकान से कोर्ट चला गया। दिन में करीब 12 बजे एक अज्ञात व्यक्ति हाथ में थैला लेकर दुकान पर पहुंचा और काउंटर को पत्थर से तोड़कर काउंटर के नीचे रखे बक्से से चांदी की 3 गाय, 20 चांदी के सिक्के 10 ग्राम और 20 ग्राम, 11 नग चांदी की चेन, चांदी की पायजेब सहित चांदी के करीब 1 किलो वजनी जेवरात चोरी कर ले गया। इसके अलावा काउंटर में रखी आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी चोरी कर ली गई। करीब 1 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ है। चोरी की वारदात दुकान के सामने होटल पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया है। मेरी दुकान ये गंज में है, संस्कृत कॉलेज के सामने। शिव आभूषण भंडार और शिव टूर एंड ट्रेवल्स का काम है मेरा। और मैं परसों 7 तारीख को कोर्ट में मेरी एक पेशी थी, वहाँ गया हुआ था। और पीछे से करीबन 11:30 और 12 के बीच में एक अज्ञात आदमी दुकान के अंदर घुसा, जिसके हाथ में थैला था, जैकेट पहने हुए था। वो जो CCTV कैमरे में कुछ फुटेज दिखाई थी पुलिस वालों ने सामने जो होटल है सागर इन के उसमें, और वो अंदर घुस के पत्थर से मेरा शोकेस है जो इसको तोड़ के इसमें से सारा सामान ले गया। और नीचे काउंटर में एक बक्सा पड़ा था जिसमें चांदी के काफ़ी आइटम थे, चांदी की पायल वगैरह, सिक्के और चेने, ऐसा आइटम था करीबन 1 किलो के आसपास का। क्या ये दिन दहाड़े दिन को 11:30 और 12 के बीच की बात है। थाना भी नज़दीक है। सामान चांदी का आइटम थे, 10-11 जोड़ी तो पाइजेब थी और 10-11 उसमें चेने थी, चांदी की 20 ग्राम के सिक्के थे, 10 ग्राम के सिक्के थे, चांदी की वो 3 गाय थी उसमें डब्बे में। वो डब्बा इधर नीचे काउंटर के नीचे रखा हुआ था, वो डब्बा ले गया और एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी एक डब्बा था वो ले गया, और बाकी काउंटर के अंदर जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी वो सारी ले गया।